हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ अजीत कुमार और आपका एके साइंस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड यूनिट गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुका है। ऑलरेडी इस पे 3 लेक्चर हो चुके हैं, 3 वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। तो जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखे हैं, वो इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं करेंगे। पहले इस वीडियो को देखने से पहले वो पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे, तब इस लेक्चर को वो देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि हम गॉस लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, गॉस लॉ की अप्लाई करने के कंडीशंस क्या क्या हैं, तो 4 कंडीशंस थे, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया है। नाउडेज आज हम इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं गॉस लॉ चैप्टर के अंदर, और वो क्या है, तो जैसा कि आपको फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। जी हाँ स्टूडेंट, कल हमने लास्ट टाइम पे बोला था कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो हम लोग एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में, चाहे बीएससीबी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो, चाहे ऑल अदर स्टेट बोर्ड हो, यहाँ से इस एप्लीकेशन से 5 मार्क्स का लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही केयरफुल्ली यहाँ पर समझना है चीज़ों को। ओके, तो लेट अस स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस के नियम का उपयोग, गॉस के नियम का अनुप्रयोग। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अभी तक जो हमने गॉस लॉ पढ़ा है, अब वो गॉस लॉ हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, मतलब गॉस लॉ का यूजेज क्या है, आगे चलकर गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या है, यूजेज क्या है, वही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे सिलेबस में दिया गया है कि गॉस लॉ के एप्लीकेशन भी हमारे सिलेबस में है, यानी गॉस लॉ को हम इनके यूजेज कहाँ कहाँ पे होंगे वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो देखो, सिंपल सी एक बात, एक लाइन में आपको हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि गॉस लॉ का उपयोग, यूज इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। बस गॉस लॉ का केवल और केवल यही यूजेज है कि हम किसी चार्ज के कारण या किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे। यही है गॉस लॉ के एप्लीकेशंस। अब इसके अंदर 3-4 एप्लीकेशंस है, हर एप्लीकेशंस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी पढ़ेंगे और उसके अंदर हम लोग गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे, यानी गॉस लॉ को अप्लाई करते हुए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। बस सिंपल सा इसका एप्लीकेशन है कि गॉस लॉ का केवल और केवल यूजेज क्या है कि हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि गॉस लॉ कहाँ कहाँ या गॉस लॉ का एप्लीकेशंस क्या है। तो गॉस, जैसा कि अभी हमने बताया कि गॉस लॉ को केवल और केवल, गॉस लॉ के हेल्प से केवल और केवल किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इस चीज़ को लिख लेते हैं कि इनके एप्लीकेशंस क्या है, इनके यूजेज क्या है। तो ये लिखते हैं जी, अभी हम समझाएं इसको, हम लिख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज ओनली एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज ओनली फाइंड द इंटेंसिटी is only find the intensity of electric field at a point due to point charge या charge distribution। okay, सिंपल सा एप्लीकेशन है, गॉस लॉ का यूज केवल और केवल किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को ही प्राप्त करना होता है, किसी पॉइंट चार्ज के वजह से या फिर किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से। इसका हिंदी अगर हम लिख सकते हैं तो लिख देंगे,
गॉस के नियम का उपयोग, गॉस के नियम का उपयोग, गॉस के नियम का उपयोग किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है। तो सिंपली गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है वो बड़ा सिंपल सा एप्लीकेशन है कि गॉस लॉ के हेल्प से हम लोग केवल और केवल किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करेंगे। बस सिंपल सा एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि गॉस लॉ का उपयोग केवल और केवल किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, बस। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले एक कॉमन बात हम लोग चर्चा करेंगे जिसका डायरेक्ट यूज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में होगा। अब देखो, हमारे सिलेबस में चाहे एनसीईआरटी बुक हो, चाहे एबीसी बुक हो, चाहे एससी वर्मा बुक हो, हमारे सिलेबस में तीन चार एप्लीकेशन पढ़ना है गॉस लॉ का। और प्रत्येक एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेशन पढ़ना है, तीन चार ही पढ़ना है, तो जितने भी एप्लीकेशन पढ़ना है गॉस लॉ का, उसमें हम एक ही चीज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किस पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे। अब जो ये डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग एप्लीकेशन गॉस लॉ का पढ़ना है, सभी में एक बात कॉमन आपको मिलेगा, और वो कॉमन बात क्या है कि सभी में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को किसी पॉइंट के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब हमारे सिलेबस में तीन चार एप्लीकेशंस है। अब ये तीन चार एप्लीकेशंस में सभी में कुछ कॉमन स्टेप्स हैं, वो कॉमन स्टेप्स आपको पहले समझ जाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। और वो कॉमन स्टेप चारों पांचों एप्लीकेशन जितने भी हैं गॉस लॉ के, वही सेम टू सेम स्टेप हर एक एप्लीकेशंस गॉस लॉ के हर एक एप्लीकेशंस में वो यूजफुल होंगे। वही एप्लीकेशंस, वही स्टेप्स का यूज हम प्रत्येक एप्लीकेशंस के अंदर यूज करेंगे। तो अभी हम पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं कर रहे, पहले जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनमें कुछ कॉमन स्टेप्स यूज होंगे, उस कॉमन स्टेप्स को पहले हम समझेंगे, उसके बाद वन बाय वन हम लोग एप्लीकेशंस गॉस लॉ का स्टार्ट करेंगे। अब ये जो स्टेप्स हम लोग देखेंगे, चार पांच स्टेप्स है, ये चारों पांचों स्टेप्स जो आपको पढ़ाया जाएगा, ये फाइव स्टेप्स गॉस लॉ के प्रत्येक एप्लीकेशंस में यूज होगा, एवरी एप्लीकेशंस में ये स्टेप यूज होगा। तो सबसे पहले हम उन स्टेप्स को देखेंगे, उसके बाद हम फिर फर्स्ट एप्लीकेशंस गॉस लॉ का स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टेप हम लोग स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग गॉसियन सरफेस को कंसीडर करेंगे या गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे। सिंपल सी बात है, पहला स्टेप सभी एप्लीकेशंस में क्या होगा, गॉस लॉ के सभी एप्लीकेशंस में पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे। तो ये स्टेप लिखते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तो सबसे पहला स्टेप होगा कि गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया जाएगा, यानी ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस, ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस क्या होता है ये हम बता चुके हैं, क्लोज्ड सरफेसेस को ही गॉसियन सरफेस कहा जाता है, क्लोज्ड सरफेसेस को ही गॉसियन सरफेसेस कहा जाता है। तो ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, तो स्टेप फर्स्ट में सभी एप्लीकेशन के पहले स्टेप में हम लोग गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस क्या होता है, वो ऑलरेडी बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिस क्लोज्ड सरफेसेस से पास होता है, उस क्लोज्ड सरफेसेस को ही गॉसियन सरफेस कहा जाता है। ओके,
सेकेंड स्टेप, स्टेप टू, सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप, जब हम फर्स्ट स्टेप गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर लेंगे तो सेकेंड स्टेप में हम लोग गॉसियन सरफेस के ऊपर प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग दिखाएंगे। क्या बोले, सेकेंड स्टेप क्या करना है, गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर, एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेंगे। क्या करेंगे, शो करेंगे, सिंपल सी बात है। इस स्टेप को हम लोग सेकेंड में करेंगे, सेकेंड स्टेप भी नोट डाउन कर लेते हैं। फाइंड द डायरेक्शन, फाइंड इज शो कर देते हैं, शो, शो मतलब दिखाना, शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस, ऑफ गॉसियन सरफेस, सिंपली यानी गॉसियन सरफेस जब हम ड्रॉ करेंगे पहला स्टेप में, दूसरा स्टेप में उस गॉसियन सरफेस के एवरी पॉइंट पर, प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के डायरेक्शंस को दिखाएंगे। इस चीज को हम हिंदी में भी लिख देते हैं, गॉसियन पृष्ठ पर, गॉसियन पृष्ठ पर के सभी बिंदुओं पर ई वेक्टर तथा ए वेक्टर की दिशा को, ए वेक्टर तथा ई वेक्टर की दिशा को दिखाएंगे, ए वेक्टर तथा ई वेक्टर की दिशा को दिखाएंगे। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। क्या हो गया, सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ को हम लोग ड्रॉ करेंगे। दूसरे स्टेप में जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया उसके एवरी पॉइंट पर ई वेक्टर एंड ए वेक्टर का डायरेक्शन को शो करेंगे। ओके, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, थर्ड स्टेप इज द इंपॉर्टेंट स्टेप, थर्ड स्टेप इज द इंपॉर्टेंट स्टेप। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस गॉसियन सरफेस से जितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहे होंगे उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसियन सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द मैथमेटिकल फॉर्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस by applying the mathematical formula phi बराबर e vector dot product of dA vector का close interval, ये close interval होता है। close interval क्या होता है, तो जो सिंपल इंटरवल होते हैं वही हमारा क्लोज इंटरवल होता है, और ये हमारा क्लोज इंटरवल का सिंबल होता है जो हमने क्लास 11th के फिजिक्स में, हमने मैथमेटिकल टूल्स के अंदर, कैलकुलस के अंदर हमने ये चीज देखा है। तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करके फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। फाई बराबर, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि फाई बराबर ई वैक्टर डॉट ए वैक्टर, फाई बराबर क्या बताया था, फाई बराबर ई वैक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर बहुत छोटे से एरिया के लिए कंसीडर किया जाए तो बहुत छोटा सा फ्लक्स होगा, तो ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी ए वेक्टर। अगर हमें टोटल फ्लक्स चाहिए, क्या चाहिए, टोटल फ्लक्स चाहिए, तो टोटल फ्लक्स
अगर हमको कैलकुलेट करना है तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, तो जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई क्लोज इंटीग्रल करेंगे तो डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बराबर ई तो कॉन्स्टेंट होता है तो क्लोज इंटरवल किसका, क्लोज क्लोज इंटीग्रेशन किसका, डी ए का, तो डी फाई का क्लोज इंटीग्रेशन फाई, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली, अंदर ही रहने दो सिंपली, इंटीग्रेशन ऑफ ई वैक्टर डॉट ए वैक्टर, तो फाई बराबर इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ई वैक्टर डॉट ए वैक्टर। तो वही चीज़ है, बेसिकली वही चीज़ है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो यहीं से, ये वाला चीज यहीं से आया है, देख लो कैसे, फाइव बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो बहुत छोटे से एरिया एलिमेंट के लिए डी फाइव बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अगर हमें टोटल फ्लक्स चाहिए तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन हम क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे या नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो डी फाइव बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए वेक्टर, तो डी फाइव का इंटीग्रेशन फाइव, फाइव बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए वैक्टर। वही चीज तो यहां पर लिखा गया है कि टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस बाय अप्लाइंग द मैथमेटिकल फॉर्मूला फाइव बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर। आई होप आपको ये तीसरा स्टेप समझ में आ गया होगा। एक चौथा स्टेप हम लोग देखेंगे, अब बोर्ड पर जगह नहीं है तो पहले आप अच्छे से इसको बोर्ड पर वाले चीज को आप उतार लो, उसके बाद हम लोग फोर्थ और फिफ्थ स्टेप पे आएंगे। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, बहुत गर्मी है यार। ओके चलो, अब हम लोग फोर्थ स्टेप पे आते हैं, स्टेप नंबर फोर, स्टेप फोर। ओके, अब स्टेप फोर में हम लोग क्या करेंगे, देखो एक बार फिर से हम तीनों स्टेप को हम रिमाइंड करवाते हैं। पहले स्टेप में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, उस गॉसियन सरफेस के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को शो करेंगे। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, जो हम गॉसियन सरफेस लेंगे ड्रॉ करेंगे उससे पास होने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ फाइव बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ओके, ये फॉर्मूला पहले से हम जानते हैं। उसके बाद हम लोग फोर्थ स्टेप पे आएंगे, चौथे स्टेप पे। चौथा स्टेप क्या होगा, हम लोग टोटल इनसाइड चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल इनसाइड चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर या क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो चार्जेस होंगे, जो टोटल चार्जेस होंगे, उस टोटल चार्जेस को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सा है, टू कैलकुलेट टोटल इनसाइड चार्जेस इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। ओके, कहने का मतलब यह है कि गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश की गणना करेंगे। बड़ा सिंपल सा है, सिंपल सा क्या है कि जो हमारा गॉसियन सरफेस जो हम ड्रॉ करेंगे उसके अंदर जो उसके सेंटर पर जो चार्जेस होंगे वो टोटल चार्ज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, और लास्ट स्टेप हमारा क्या है, बड़ा सिंपल सा लास्ट स्टेप। सर आप ये बताओ कि आप एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के लिए स्टेप बता रहे हो,
अब ये अभी तक एक भी स्टेप में गॉस लॉ वाला फॉर्मूला तो यूज ही नहीं हुआ, तो ये लास्ट स्टेप में यूज होगा। अप्लाइंग अप्लाइंग गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ। और गॉस लॉ को कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? जी हां, फाई बराबर क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा ये लास्ट स्टेप में, सबसे लास्ट स्टेप में हमारा गॉस लॉ वाला ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। यस, गॉस लॉ वाला ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और अंतिम स्टेप, स्टेप सिक्स हमारा फाइनल स्टेप होगा, रिजल्ट वाला स्टेप होगा। और वो रिजल्ट वाला स्टेप क्या होगा कि जब हम पांचवा स्टेप माने कि गॉस लॉ वाले फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, तो अंतिम स्टेप, स्टेप सिक्स हमारा लास्ट स्टेप होगा, फाइनल स्टेप होगा। और इस फाइनल स्टेप में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी टू सोल्व एंड कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माने कि ई। ओके, तो हमारा फाइनल स्टेप में क्या होगा, पांचवा स्टेप में क्या होगा कि हम गॉस लॉ वाले फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, गॉस लॉ वाले फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे एंड कैलकुलेट करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिल जाएगी, और ये हमारा फाइनल स्टेप होगा। क्योंकि हम ये चैप्टर, ये लेक्चर स्टार्ट करने के टाइम पर ही इनिशियली इस लेक्चर को स्टार्ट करने पर ही हमने शुरुआती दौर पे ही बोला था कि गॉस लॉ का यूजेज क्या है। तो गॉस लॉ का एकमात्र यूजेज है कि हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो फाइनल स्टेप में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिल जाएगी। ओके, तो एक बार हम छेवो स्टेप को एक बार फिर से रिमाइंड करा देना चाहते हैं, और वो छेवो स्टेप क्या है? तो पहला स्टेप हमारा ये है कि हम गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे। किस चीज को ड्रॉ करेंगे? गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे। ओके, गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करने के बाद सेकेंड स्टेप में उस गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर, उस गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तथा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन शो करेंगे। ओके, थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप हमारा ये है कि हम लोग उस गॉसियन सरफेस से टोटल पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। कौन से फॉर्मूला से? तो फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वैक्टर से। ओके, चौथे स्टेप में हमारा क्या है? उस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यानी टू कैलकुलेट टोटल इनसाइड चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। पांचवें स्टेप में क्या है? हम गॉस लॉ के फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। और छठे स्टेप में क्या होगा? सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिल जाएगी। ओके, इस तरह से छह स्टेप, जितने भी गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ना है, तीन चार जो भी एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, प्रत्येक एप्लीकेशंस में ये छह स्टेप ही फॉलो होंगे। सातवां स्टेप कोई नया फॉलो नहीं होगा। पहले एप्लीकेशंस में यही छह स्टेप लागू होगा, दूसरे एप्लीकेशंस में भी यही छह स्टेप लागू होगा, तीसरे चौथे एप्लीकेशंस में भी यही छह स्टेप लागू होंगे। आप अच्छी तरीके से इस वीडियो को पॉज करके इन स्टेप्स को नोट डाउन कर ले, और अच्छी तरीके से छेवो स्टेप को एक बार आप रिवाइज कर ले। उसके बाद अब हम लोग गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन स्टार्ट करने वाले हैं, और उस एप्लीकेशंस में हम लोग यही छह स्टेप फॉलो करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। ओके,
ओके, तो गॉस लॉ का सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, और पहले आप उन छह वो पॉइंट्स को एक बार अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर लो, उन छह वो स्टेप को, उसके बाद हम लोग गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके चलिए, अब गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जो हमारे सिलेबस में है, पहला एप्लीकेशन, वो पहला एप्लीकेशन गॉस लॉ का क्या है कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण, किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज बाय अप्लाइंग गॉस लॉ, बाय अप्लाइंग गॉस लॉ। ओके, तो सबसे पहले इस एप्लीकेशंस को हेडिंग के रूप में लिखते हैं, और चूंकि थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगा तो हम लोग ये गॉस एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ वाला हेडिंग मिटा देते हैं, और हम लोग समझ चुके हैं कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ही स्टार्ट हो चुका है, और पहला एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस लॉ का, फर्स्ट एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन गॉस लॉ का पढ़ रहे हैं। ओके कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज बाय अप्लाइंग गॉस लॉ, बाय अप्लाइंग गॉस लॉ, बाय अप्लाइंग गॉस लॉ। ये पहला एप्लीकेशन है, हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशंस को अच्छी तरीके से देखेंगे, धीमे धीमे चलेंगे, पहले एप्लीकेशंस, एक एप्लीकेशन आप समझ जाओ उसके बाद स्पीड हम लोग ले आएंगे, पहले धीमे धीमे समझते हैं इस एप्लीकेशंस को। ओके तो एप्लीकेशंस क्या है वो समझ में आ गया होगा, एप्लीकेशंस, पहला एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में क्या है, तो हमारे सिलेबस में ये है कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। अब ये जगह नहीं है, नहीं तो हिंदी में भी हेडिंग हम लोग लिख लेते, पर हम बोल देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लेना हिंदी वाले हेडिंग को, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें गॉस के नियम का उपयोग करके, गॉस के नियम का उपयोग करके। ओके तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहला एप्लीकेशंस टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज बाय अप्लाइंग गॉस लॉ। ओके तो जैसा कि इस लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने बताया था कि चाहे गॉस लॉ के जितने भी एप्लीकेशंस क्यों ना पढ़ना हो हमारे सिलेबस में, प्रत्येक एप्लीकेशंस के अंदर हम वही छह स्टेप को फॉलो करेंगे वन बाय वन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, लैंग्वेज में कुछ चीज़ें लिखना है उस चीज़ को हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे, तो लैंग्वेज में लिखते हैं, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू एंड 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 लेट ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस
एट ए डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट चार्ज क्यू, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट चार्ज क्यू, एट विच इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फाइंड, एट विच इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एट विच इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फाइंड, एट विच इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फाइंड। बस ये लैंग्वेज लिखना है, क्या लैंग्वेज है? लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू एंड लेट ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट चार्ज क्यू एट विच इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फाइंड। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। माना कि एक बिंदु आवेश क्यू लिया गया है तथा इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया गया है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बोर्ड काफ़ी भर चुका है, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको लिख लेते हैं, आप लोग लिख लो इसको, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो लैंग्वेज में जो हमने लिखा अब उसको हम लोग डायग्राम के थ्रू हम लोग शो करेंगे। किसमें शो करेंगे? डायग्राम में शो करेंगे। ओके, तो हमने क्या लिया था? हमने एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया था, एक पॉइंट चार्ज। ओके, एक पॉइंट चार्ज हमने क्यू कंसीडर किया था। ओके, तो लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू, एक बिंदु आवेश हमने क्यू लिया और इससे r डिस्टेंस पर एक बिंदु P लिया गया है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया गया है। ओके, कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे। और इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करनी है, ये हेडिंग है, यही तो ये एप्लीकेशन है कि कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज बाय अप्लाइंग गॉस लॉ। कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, हमने लैंग्वेज में भी यही लिखा था कि माना कि एक बिंदु आवेश Q लिया गया है तथा इससे R दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q एंड लेट अस कंसीडर ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम पॉइंट चार्ज Q एट विच इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फाइंड। ओके, अब हम लोग बारी बारी से वो छह स्टेप इसके अंदर वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप वो छे वो स्टेप को हम लोग इसके अंदर लागू करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसमें हम लोग आगे डेरिवेशंस करते हैं। ओके, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस।
ड्रॉ ए गॉशियन सरफेस, पहला स्टेप तो यही था ना, पहला स्टेप यही था, छह स्टेप में पहला स्टेप यही था कि हम लोग गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे। अब गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर गॉसियन सरफेस को कैसे ड्रॉ करेंगे ये सबसे बड़ी बात है। ओके, तो गॉसियन सरफेस को ड्रॉ हमेशा उस पॉइंट से पास करते हुए खींचा जाता है, ड्रॉ किया जाता है जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को ज्ञात करनी है। फिर से बोल रहे, गॉसियन सरफेस को उस पॉइंट से होकर पास करते हुए ड्रॉ किया जाता है जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ओके, तो ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू पॉइंट पी, पासिंग थ्रू पॉइंट पी। ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू पॉइंट पी। गॉसियन सरफेस को हमेशा और हमेशा उस पॉइंट से होकर पास करके ड्रॉ किया जाता है जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करनी है। तो इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करनी है, तो गॉसियन सरफेस भी इसी पॉइंट पी से पास करनी चाहिए। ओके, अब सबसे बड़ी बात यह है कि गॉसियन सरफेस कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, किस शेप का ड्रॉ होगा गॉसियन सरफेस, वो डिपेंड करता है एप्लीकेशंस कौन सा है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको टीचर का हेल्प लेना पड़ेगा, यहां पर थोड़ा सा मेमोराइज करने वाला बात है कि एक पॉइंट चार्ज, अब आप खुद बताओ कि एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के अबाउट जो हमारा गॉसियन सरफेस होना चाहिए वो सिमेट्रिक होना चाहिए। कल वाले लेक्चर में, प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने कंडीशंस फॉर अप्लाइंग गॉस लॉ पढ़ा था, उसमें पहला कंडीशंस यही था कि जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा वो सिमेट्रिक होना चाहिए पॉइंट चार्ज के अबाउट। यस, तो हमेशा ध्यान देना, पहला बात तो ध्यान देना कि गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से होकर पास करना चाहिए जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, और दूसरा बात यह ध्यान देना है कि गॉसियन सरफेस हमेशा सिमेट्रिक होना चाहिए अबाउट पॉइंट चार्ज के। ये हमने कंडीशंस फॉर अप्लाइंग गॉस लॉ में पढ़ा है। यस, दो बातें गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करते समय अपने माइंड में दो बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखकर गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करोगे, वो दो बातें कौन से होंगे। पहला बात तो ये कि गॉसियन सरफेस को हमेशा और हमेशा उस पॉइंट से होकर पास करते हुए ड्रॉ करना है जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करनी है, पहला बात। दूसरी बात, गॉसियन सरफेस इस प्रकार से ड्रॉ करोगे कि वो पॉइंट चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक। ये कंडीशंस फॉर अप्लाइंग गॉस लॉ में पढ़ा है। तो हम एक यहां पर ऐसा गॉसियन सरफेस की कल्पना करेंगे जो इस पॉइंट से भी होकर पास कर रहा हो और इस पॉइंट चार्ज के अबाउट वो सिमेट्रिक भी हो। तो हमेशा ध्यान रखना कि एक पॉइंट चार्ज के अबाउट जो गॉसियन सरफेस कंसीडर की जाती है वो गॉसियन सरफेस उस पॉइंट चार्ज के सिमेट्रिक होना चाहिए। इसके लिए हम उस पॉइंट चार्जेस के चारों तरफ हम एक स्फेयर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? गॉसियन सरफेस में हमेशा हम लोग पॉइंट चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक जो गॉसियन सरफेस होना चाहिए वो हमेशा पॉइंट चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस स्फेयर होता है। इस बात को आपको मेमोराइज करना है और फील भी कर रहे हो आप इस बात को। तो इस पॉइंट के अबाउट हमें एक ऐसा गॉसियन सरफेस की कल्पना करनी है, इमेजिनेशन करना है, जो वो इस पॉइंट से भी पास कर रहा हो और दूसरी बात इस पॉइंट चार्जेस के अबाउट वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो बताओ क्या होगा ऐसा? तो वो स्फेयर ही तो होगा। तो हम गॉसियन सरफेस में क्या प्लॉट कर रहे हैं? तो स्फेयर प्लॉट कर रहे हैं जो इस पॉइंट से होकर पास करेंगे, जो इस पॉइंट से होकर पास करेगा और इस पॉइंट चार्जेस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो यहां पर जो गॉसियन सरफेस पॉइंट चार्ज के लिए ड्रॉ किया जाता है ये गॉसियन सरफेस अस्फेयर गॉसियन सरफेस होगा। कैसा होगा? अस्फेयर
गॉसियन सरफेस। तो यहां पर इस एप्लीकेशन में पॉइंट चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक जो गॉसियन सरफेस होंगे वो ऑलवेज हमारा स्फीयर होता है, क्या होता है, गोला होता है। तो ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू पॉइंट पी, ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू पॉइंट पी, और ये हमारा गॉसियन सरफेस कैसा है, तो गॉसियन सरफेस हमारा स्फीयर गॉसियन सरफेस है। आई थिंक आप फील कर लिए होंगे इस बात को। दो बातें आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते वक्त आपको ध्यान में रखना है, फिर से एक बार रिपीट कर रहे। पहला बात, गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से होकर पास करना चाहिए जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। दूसरी बात, गॉसियन सरफेस जो आप ड्रॉ कर रहे हो वो गॉसियन सरफेस उस पॉइंट चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। तो यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यहां पे पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्जेस के अबाउट गॉसियन सरफेस क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो यहां पर केवल एक ऑप्शन बचता है कि अगर हम स्फेयर लें तो वो स्फेयर जो गॉसियन सरफेस होगा वही उस पॉइंट चार्जेस के अबाउट सिमेट्रिक होंगे और वही उस पॉइंट पी के से भी पास करेंगे। ओके, क्लियर हो गया। अब हम लोग सेकेंड स्टेप पे आएंगे, क्या आएंगे, सेकेंड स्टेप, स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं, तो स्टेप सेकेंड में हम लोग, याद करो, स्टेप सेकेंड में हम लोग गॉसियन सरफेस के ऊपर प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को शो करते हैं। तो यहां पर वही चीज लिखेंगे, स्टेप टू, टू शो द डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर एंड A वेक्टर ऑन गॉसियन सरफेस। ओके, टू शो द डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर एंड A वेक्टर ऑन गॉसियन सरफेस। चलो, तो हम छोटे से एरिया की कल्पना करते हैं, छोटे से एरिया की कल्पना करते हैं। तो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही होगा और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, डीए वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर होगी। अगर हम ये चीज यहां कंसीडर कर रहे हैं, ये एरिया, तो बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा और डीए वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, नॉर्मल दोनों होंगे। अगर हम ये कंसीडर करें यहां पर एरिया, तो यहां पर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही होगी और एरिया वेक्टर डीए की डायरेक्शन इधर होगी। अगर हम ये चीज इधर कंसीडर करें, तो इधर कंसीडर करेंगे ये एरिया एलिमेंट, हम इधर कंसीडर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही होगा और डीए वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, ये ऑलरेडी हम जान चुके हैं। और अगर हम इधर कंसीडर करें तो इधर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही होगा और हमारा डीए वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर ही होगा। ओके, उसी तरीके से अगर हम यहां पर कैलकुलेट करना चाहें, तो यहां पर भी वही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही होगा और डीए वेक्टर का डायरेक्शन भी वही होगा। ओके, अगर हम यहां पर कैलकुलेट करना चाहें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही होगा और एरिया वेक्टर डीए की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। अगर हम यहां पर कैलकुलेट करना चाहें, तो ई वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर ही होगा और डीए वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। तो स्टेप टू भी हमने शो कर दिया। स्टेप टू में क्या था कि गॉसियन सरफेस के ऊपर हम लोग ई वेक्टर तथा डीए वेक्टर के डायरेक्शंस को शो करेंगे, ई वेक्टर तथा डीए वेक्टर के डायरेक्शंस को शो करेंगे, हमने शो कर दिया। ओके, और यहां पर हमें यह पता चल रहा है कि एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डीए वेक्टर इज जीरो, तो यहां पर हम ये भी लिख देंगे कि एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डीए वेक्टर इज जीरो, दैट इज थीटा इज जीरो डिग्री यहां से। ओके, अब हम लोग थर्ड स्टेप पे आएंगे। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, तो थर्ड स्टेप हमारा है टू कैलकुलेट टोटल इनसाइड चार्ज, या आप वो फोर्थ स्टेप में है, तो थर्ड स्टेप में आप ये भी यूज कर सकते हो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस बाय अप्लाइंग मैथमेटिकल फॉर्मूला क्लोज इंटरवल फाई बराबर क्लोज इंटरवल इन टू डी ए वैक्टर। ठीक है, तो हम थर्ड स्टेप अप्लाई करने से पहले आप पहले इसको अच्छी तरीके से आप कॉपी कर ले, नोट कर ले, क्योंकि बोर्ड पर स्पेस नहीं है, इसलिए पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन।
ओके। अब स्टेप थर्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे, स्टेप थर्ड अप्लाई करेंगे। स्टेप थर्ड क्या है? स्टेप थर्ड में हमारा है टू कैलकुलेट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस बाय अप्लाइंग मैथमेटिकल फॉर्मूला, बाय अप्लाइंग मैथमेटिकल फॉर्मूला फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर। ओके, तो फाई बराबर ई वैक्टर, चूंकि कॉन्स्टेंट होगा तो ये बाहर चला आएगा। ओके, तो इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? तो डी ए वैक्टर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? डी ए वैक्टर का। आप चाहो तो पहले एक स्टेप और इसको कर लो, डॉट प्रोडक्ट आप लगा लो, तो ई वैक्टर ई इंटू ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर लगा लो, तो ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना डिग्री है? तो थीटा हमारा जीरो डिग्री था, ई वैक्टर और डी ए वैक्टर के बीच का एंगल जीरो डिग्री, कॉस जीरो वन होगा। तो फाइव बराबर क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ई हमारा कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, तो केवल इंटीग्रेशन किसका होगा? डी ए का। डी ए का इंटीग्रेशन ए होगा। डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा? डी ए का इंटीग्रेशन ए होगा। ओके, तो यहां पर स्पेस नहीं है, देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। तो यहां से फाइव बराबर क्या हो जाएगा हमारा? तो फाइव बराबर ई इंटू डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डी ए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा। ओके, अब ये ए क्या है? ए क्या है? तो ए सरफेस एरिया है। किसका सरफेस एरिया? गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। गॉसियन सरफेस क्या है? अस्फेयर है, तो अस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहां से फाइव बराबर हो गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें। ओके, ये हमारा तीसरा स्टेप भी अप्लाई हो गया। अब हम लोग अप्लाई करेंगे अगला स्टेप, स्टेप फोर में क्या है? टू कैलकुलेट टोटल इनसाइड चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। टू कैलकुलेट टोटल इनसाइड चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। तो क्यू टोटल मतलब क्यू इनसाइड, क्यू इन कितना हो जाएगा? क्यू इन में तो एक ही चार्ज है क्यू, तो टोटल चार्ज तो यही हो जाएगा। क्यू टोटल क्या होगा? क्यू टोटल क्यू इन होगा, और क्यू इन में एक ही चार्जेस है, एक ही पॉइंट चार्जेस, तो क्यू टोटल या क्यू इन में हमारा क्यू हो गया। ओके, अब हम लोग पांचवा स्टेप अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? पांचवा स्टेप। तो पहले आप चौथे स्टेप को भी अच्छी तरीके से लिख लें। हम इस इक्वेशन को नहीं मिटा रहे हैं, क्योंकि ये इक्वेशंस आगे चलकर हम लोग कंबाइन करेंगे, इसलिए हम लोग स्टेप फोर को मिटा रहे हैं। आप अच्छी तरीके से स्टेप फोर को आप स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप इसको नोट डाउन कर लें। ओके, चलो अब हम लोग स्टेप फाइव अप्लाई करेंगे। क्या स्टेप फाइव? पांचवा स्टेप में अप्लाइंग गॉस लॉ, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस पर स्टार लगा रहे हैं। अप्लाइंग गॉस लॉ
गॉस लॉ अप्लाई करने पर, गॉस लॉ क्या है, फाई बराबर क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर क्यू इन, क्यू इन क्यू टोटल था, क्यू टोटल क्यू है बटा एप्सिलॉन नॉट। ओके, आप इसको इक्वेशन सेकेंड मान लें। ओके, देखिए यहां से इक्वेशन फर्स्ट मिला, यहां से इक्वेशन सेकेंड मिला, दोनों इक्वेशंस को आप कंबाइंड कर दो तो दोनों इक्वेशन का एलएचएस साइड बराबर है, तो ऑलरेडी आरएचएस साइड बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप इतना पूरा इसको यहां लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे, दोनों का एलएचएस साइड बराबर है, देखो फाइव बराबर इधर भी है और फाइव बराबर इधर भी है, तो दोनों का जब एलएचएस साइड बराबर होगा तो ऑटोमेटिकली आरएचएस साइड बराबर हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर बराबर यहां से क्या हो जाएगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ओके, हमें ई ही तो निकालना था, ध्यान से समझो हमें क्या निकालना है, हमें कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज बाय अप्लाइंग गॉस लॉ। हमें ई ही तो निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही को तो निकालना है। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से हमारा हो जाएगा क्या दिया हुआ, ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, और हमें ई ही तो निकालना है, तो ई बराबर ये इंटू में है तो इधर आकर डिवाइड में चलाएगा, तो क्यू बटा फोर पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं, एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर, यही हमारा फाइनल डेरिवेशन मिला पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या मिल गया, तो फॉर्मूला मिल गया ई बराबर एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। ये तो गजब हो गया सर, ये वाला फॉर्मूला तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट यूनिट में पढ़े थे, तो याद करो वो भी डेरिवेशन तो वही था ना, कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी थी, एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। वहां हमने कूलम्स लॉ के हेल्प से निकाला था और आज हम गॉस लॉ के हेल्प से निकाल रहे, इसका मतलब दोनों टैली करना चाहिए था, तो दोनों टैली किया, यानी कूलम्स लॉ से के कूलम्स लॉ के हेल्प से भी किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर आया था। अब वही डेरिवेशंस को हमने गॉस लॉ के हेल्प से किया तो रिजल्ट तो सेम आना चाहिए, तो रिजल्ट सेम मिला। तो ये हमारा इस डेरिवेशन का ये फाइनल रिजल्ट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज हमारा इस लेक्चर में हम यहीं तक, गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन हम लोग कवर कर लिए, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशंस पे हम लोग वीडियो जल्दी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। आप अच्छी तरीके से गॉस लॉ का इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से रिवाइज करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और वहां पर गॉस लॉ का एप्लीकेशंस का सेकंड एप्लीकेशंस हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू, एंड पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन।